जल्दी 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 चुप रहो, उठ जाएगा वो। सब वो चोर 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 चोर। अरे क्या हुआ? दमाजी देखो ना, ये सिक्योरिटी गार्ड आपका बैग चुरा रहा था। हाँ देखो ना, ये हमारे घर में आके चोरी कर रहा था सुमित। अरे साहब ये क्या बोल रहे हो, मैंने कब चोरी करी? सना क्या बोल रही हो ये तुम, वो काफी टाइम से हमारे पास काम कर रहे हैं, वो चोरी क्यों करेंगे भला? अरे धमाजी पुराना तो इसका मतलब चोरी नहीं कर सकता। अरे नीयत बदलते में देर नहीं लगती, ये तो शक्ल से ही चोर लग रहा है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो चोरी ही कर रहा था, इसने जैसे ही हमें देखा ना तो रुक गया। क्या सुनो मैं ये विक्रम, तुमने चोरी करी है? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अरे धमाजी ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसके तो मैं कान पे मार मार के अभी इससे उगलवाता हूँ कि ये चोरी कर रहा था। सुमित तुम रुक क्यों रहे हो, एक काम करो पुलिस को कॉल करो और अभी के अभी ना इसे गिरफ्तार करवाओ। धमाजी लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अरे एक मिनट रुकिए पापा जी, मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, आप रुकिए। विक्रम क्या है ये सब, जब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं मदद करता हूँ ना, तो चोरी क्यों की तुमने? साहब मैं बोल तो रहा हूँ मैंने चोरी नहीं की है, और भला मैं आपके घर में चोरी क्यों करूँगा? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आप इतने भले इंसान हो, आपके घर में चोरी करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। धमाजी मैं तो कहता हूँ आप पुलिस को बुलाइए और इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। देख विक्रम तेरे पास आखिरी मौका है, सच सच बता दे वरना पुलिस को फोन करूंगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा? नहीं साहब मैंने नहीं करी चोरी। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको। अरे सुमित क्या बात हो गई है, पुलिस की बात चल रही है? अरे यार शेखर देखियो, ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे यहाँ पे चोरी कर रहा था, वो तो पापा जी ने और सनाने से रंगे हाथ पकड़ लिया, इस पे इतना भरोसा क्या, लेकिन ये साला धोखेबाज निकला। कैसी बात कर रहा है यार, गार्ड साहब को कब से जानता हूँ, इनके जैसा ईमानदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चोरी नहीं है, चोर कोई और ही है। अच्छा किसने करी है चोरी, तू ही बता दे फिर। भाई मेरे हिसाब से तो चोर इसी घर का है, सारे अपने परिवार के, चोरी कौन कर सकता, मेरा शक तो इस पे ही है। मेरे हिसाब से तो भाई चोर तेरे ससुर जी है। क्या बात कर रहा है शेखर, मेरे ससुर जी सीधे साधे इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकते, और अपने घर में अपना ही बंदा चोरी क्यों करेगा? तुम्हें तुझे तो याद है ना, तेरा एक ब्रीफकेस चोरी हुआ था और तूने मुझसे कहा था कि पता लगा यार किसने चोरी करा है। हाँ यार चोरी तो हुआ था। तो भाई उसका पता लगाते लगाते मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई आसपास के एरिया की, उसी दिन तेरे ससुर जी पे सेम ब्रीफकेस था। अरे तो एक कलर का एक ही ब्रीफकेस होता है क्या, एक कलर के 100 ब्रीफकेस हो सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझ पे इल्जाम लगा रहे, मैं भला अपनी बेटी के घर चोरी क्यों करूंगा, कैसी बातें कर रहा है आपका दोस्त? अरे क्या हो गया आपको, क्यों हमारे परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? अरे अच्छे खासे मेरे पापा हैं, इतने शरीफ हैं वो और ईमानदार इंसान है, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं आप? हाँ यार वो गलत नहीं कह रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि और कोई सूट केस हो बट उसके जैसा दिखता हो। एक तरीके के बहुत सारे ब्रीफ केस हो सकते हैं, लेकिन आवाज में जब बनावटीपन आ जाता है ना तो इंसान शक के दायरे में आ जाता है, और ये लोग भी शक के दायरे में है। ये वाला सबूत काम नहीं आया तो क्या हो गया, अपने पास दूसरा सबूत भी है, पता लग जाएगा कि असली चोर है तो है कौन। सुमित तुझे याद होगा जब तेरे घर में चोरी हुई थी पहली बार, तो तूने मुझसे कहकर अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, और ये बात तूने अपने पूरे घर वालों से छुपाई थी, इनफैक्ट अपनी बीवी से भी, और वो सीसीटीवी कैमरा लगाया सामने ड्राइंग रूम में ताकि पता चल सके कौन आ रहा है घर में कौन जा रहा है, खुलवा ले उसकी फुटेज, पता लग जाएगा कौन है असली गुनहगार। अरे हाँ यार ये बात तो मैं भूल ही गया था, ये काम करते उसकी फुटेज निकलवाते हैं। अरे नहीं 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 दमाजी मैं बताता हूँ सच, चोरी मैंने ही करी थी, और मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन इसमें मेरी बेटी ने भी मेरा साथ दिया था। क्या आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। अरे अंकल जी कैसे हैं आप, बच्चों को लोग अच्छे संस्कार देते ताकि बच्चे अच्छी राह पर चलें, आप तो अपनी बच्ची के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। अरे अच्छे संस्कार देते इससे बोलते कि अच्छी चीज़ें सीखे, गलत राह पर चलकर इंसान अपने लिए नरक के द्वार खोलता है ना कि स्वर्ग के, समझे आप? बात करते हैं यार, उम्र देखिए अपनी, इस उम्र में इंसान सोचता है कि जितने अच्छे काम हो जाएं उतना अच्छा, लेकिन क्या कहें यार इस दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप जान पहचान वाले हैं हमारे, बेगुनाह को फंसा रहे थे आप, पता है आपको जब एक बेगुनाह फंसता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है? अरे चोरी करी तुमने, बेचारे गरीब इंसान को फंसा रहे हो यार।
सारी मोरल वैल्यूज को खो चुके हैं आप और अपनी बच्ची के भविष्य को भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। सुमित तेरा घर है, तेरे रिश्तेदार, तेरी बीवी, जो फैसला लेना है तू ले भाई, हम क्या ही बोले। भाई फैसला क्या लेना है, इन दोनों को तो जेल भिजवाऊंगा मैं। जेल दवाजे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ मैं। जाने दीजिए ना साहब, मानता हूँ कि इनसे गलती हो गई है, पर आप इन्हें माफ कर दीजिए ना। देख रहे हो आप लोग इनके साथ गलत करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये आप लोगों की साइड ले रहा है। और ससुर जी आप एक बात अच्छे से सुन लीजिए, आज के बाद इस घर में तभी आना जब कोई फंक्शन हो, वरना आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको धक्के मार के निकालूं। अब शक्ल क्या देख रहे हो, निकलो। और सना तुम भी एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा फालतू खर्चा बंद, फालतू बाहर जाना बंद, सिर्फ घर में रहकर घर के काम करोगी, समझी? जाओ। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए आप, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया और पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए। अरे नहीं नहीं साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं, गलती हर इंसान से हो जाती है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, चोर नहीं होता। साहब माना कि हमारे घर कच्चे हैं, लेकिन हमारे उसूल बड़े पक्के होते हैं साहब। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चलो मैं भी निकल ही रहा हूँ, ठीक है समय मिलते हैं।